जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वक्त मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ ये अब एक कॉलेज की एक जगह है। ये तालाब बहुत पुराना है, अब यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स के खेलने के लिए जगह बन गई है, लेकिन ये हिंदुओं की मुकद्दस जगह जो समाधियाँ होती थी यहाँ पर, उनकी इबादतगाह होती थी, उसके करीब एक बहुत पुराना सदियों पुराना ये एक तालाब है और पार्टीशन से पहले का यहाँ पर ये मौजूद है। और यहाँ के मकामी बुज़ुर्ग बताते हैं कि ये उनसे भी पहले का ये तालाब जो है ये मौजूद है। ये अभी उसी हालत में है, इसकी पुरानी ईंटें और ये तालाब आज हम आपको दिखाते हैं। हो सकता है कि बहुत सारे लोगों की यादें जो हैं इनसे जुड़ी हुई हों। तो जहाँ जिस जगह समाध होती थी या समाधि होती थी, उस बिल्डिंग में पाकपतन का फरीदिया कॉलेज जो है वो खुल गया था और वो बिल्डिंग्स जो हैं वो गिराकर अब वहाँ नई बिल्डिंग बन गई हैं। लेकिन ये पुराना तालाब, ये सरोवर, ये पौंड जहाँ स्नान किया जाता था, ये वही है। तो आइए आज हम आपको ये तालाब दिखाते हैं। पाकपतन के महल्ला समाधावाला में मौजूद ये एक तालाब है। पार्टीशन से ये काफ़ी पहले का तालाब है और बुज़ुर्ग बताते हैं कि इसमें हिंदू लोग स्नान किया करते थे। इसके पास ही उनकी एक मुकद्दस जगह जिसको समाधियाँ कहते थे वो मौजूद थी। ये पुरानी ईंटें पुराने दौर की अभी तक मौजूद हैं, आप लोग देख सकते हैं। और मेरी बात हुई पाकपतन के रिहायशी जो 1947 में 15 साल के थे, सुभाष चोपड़ा जी, जो अब दिल्ली में रहते हैं, उनसे मैंने जब इस तालाब के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि ये तालाब उस दौर में भी खुश्क हो चुका था और इसमें लोग वर्जिश करने के लिए आया करते थे। इसका मतलब है कि ये बहुत ही पुराना तालाब है और पाकपतन में बसने वाले हिंदू जो कि 1947 में माइग्रेट कर गए और बॉर्डर के दूसरे पार इंडिया में जाकर बसे, उनकी यादों में ये तालाब ज़रूर मौजूद होगा। अल्लाह समाधा वाला और जेडे कॉलेजेज में पढ़ा, फरीदिया कॉलेज पाकपतन, जिथे समाधा बनी हुई सन उथे ही वो कॉलेज बने अजकल, गवर्नमेंट फरीदिया कॉलेज पाकपतन। उथे तुम याद ओदिया कोई याद नहीं, तालाब हाले भी मौजूद है, खड़ा है तालाब, गहरा है। तालाब पता नहीं है या नहीं, वो तालाब होंदा सी उते कई वो सुक गया सी ते उते मतलब लोकी वर्जिश करन आंदे सन तालाब विच, मत सुका सी, पौड़ियां पुड़ियां आ गया सन, सब कुछ सी। और महला समाधा वाला उते ओ स्कूल दा नाम उस वेले सनातन धर्म स्कूल होंदा सी, एसडी हाई स्कूल, ते ओ अपना उथे बड़े लोग पढ़ते सन और समाधा वाले महल के नाल ही मतलब एक शमशान घाट भी होंदा सी जिथे हिंदू लोग अपना जलांदे सन। अब इस तालाब में कॉलेज के बच्चों के खेलने के लिए वॉलीबॉल का नेट लगाया गया है और बास्केटबॉल का ग्राउंड बनाया गया है। इस तालाब के मगरब साइड पर कॉलेज की मस्जिद बनाई गई है जिसमें तलबा और असाज़ा नमाज पढ़ते हैं, और तालाब के लेफ्ट साइड पर कॉलेज का हॉस्टल है, ये आप देख सकते हैं। हिंदुओं की इस मुकद्दस जगह को बनाने वाले लोग और यहाँ पर इबादत करने वाले तो अब मौजूद नहीं रहे, लेकिन ये पुरानी ईंटें अब भी उनकी यादें ताज़ा करती हैं। तालाब से बाहर खड़े होकर पूरे तालाब का नज़ारा कीजिए।
ये गवर्नमेंट फरीदिया पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज पाकपतन का सरसब्ज खेल का मैदान है। यहाँ पर तलबा अपनी गैर नसाबी सरगर्मियों में हिस्सा लेते हैं। ये पाकपतन के महल्ला समाधा वाला में मौजूद है और जिस जगह अब फरीदिया कॉलेज की बिल्डिंग है, इमारतें हैं, क्लासरूम्स हैं, इस जगह पर हिंदुओं के मुकद्दस मकामात और समाधों की बिल्डिंग्स होती थी और इस जगह हिंदुओं की समाधि होने की वजह से पाकपतन के इस मोहल्ले को मोहल्ला समाधा वाला कहा जाता था। और आज अगरचे पाकपतन में हिंदू मौजूद नहीं है लेकिन फिर भी आज भी इस मोहल्ले को मोहल्ला समाधा वाला ही कहा जाता है, जो पार्टीशन से पहले के दौर की याद दिलाता है। फरीदिया कॉलेज पाकपतन 1967 में कायम हुआ था और पाकपतन की बिस्मिल्ला सराय में फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की क्लासेस का आगाज़ किया गया था। बाद में ये कॉलेज हिंदुओं की उस मजहबी इमारत में शिफ्ट हो गया था जो वो 1947 में छोड़कर चले गए थे। फरीदिया कॉलेज बाद में डिग्री कॉलेज बना और ग्रेजुएशन की क्लासेस का आगाज़ हुआ। फरीदिया कॉलेज पाकपतन पाकपतन का सबसे बड़ा कॉलेज है और इसमें फर्स्ट ईयर से लेकर मास्टर्स तक की क्लासेस का इनेकाद किया जाता है।